क्या आप जानते हो हमारे माइनक्राफ्ट में एक क्रीपर नाम का चीज रहता है, ये तो हर कोई जानता है। और आप ये भी जानते होंगे कि वो हमारे पास आते ही फट जाता है, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि माइनक्राफ्ट का क्रीपर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग एरर की वजह से बना था। और क्या आपको ये बात पता थी कि माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में तैयार हो गया था। और तो और माइनक्राफ्ट को एक स्टोरी स्कूल में कंपलसरी भी बनाया गया है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनने के लिए आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 5, हर बार एक समय में माइनक्राफ्ट का अपना नाम गलत हो जाता है। हर 10,000 बार जब आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो इसके इंट्रोडक्टरी मेन्यू में उसी का नाम गलत लिखे दिखाया जाता है। इंट्रोडक्टरी मेन्यू यानी कि जहाँ पर सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर सब लिखा था है ना, वही इंट्रोडक्टरी मेन्यू में माइनक्राफ्ट को ई और सी से उलट दिया जाता है, जैसे माइनक्राफ्ट को वह माइनसराफ लिख देते हैं। फैक्ट नंबर 4, माइनक्राफ्ट को एक स्वीडिश स्कूल में कंपलसरी बनाया गया है। 2013 में स्टॉकहोम के विक्टर राइडबर्ग सेकेंडरी स्कूल ने अपने सभी 13 साल के बच्चों के लिए माइनक्राफ्ट को अपने करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में कंपलसरी बनाया है। वहाँ के एक टीचर का मानना यह था कि इस गेम को खेलने से बच्चों में सिटी प्लानिंग, पर्यावरण के इश्यूज और चीजें कैसे जल्दी बनाए या खत्म करें, इसका एक आइडिया आ जाता है। फैक्ट नंबर 3, माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। 2009 में स्वीडिश प्रोग्रामर और डिजाइनर मार्कस पर्सन ने अपनी नई कंपनी मोजांग एबी के लॉन्च के लिए एक सैंडबॉक्स गेम तैयार किया था। सैंडबॉक्स गेम यानी कि ए टाइप ऑफ गेम जो कि एक इंसान को फ्री में वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने देती है। मार्कस पर्सन ने उसी साल यानी कि 2009-10 मई को माइनक्राफ्ट पर काम करना चालू किया और 16 मई को गेम बनकर तैयार भी हो गया। उसे अल्फा वर्जन के नाम से लॉन्च भी किया गया। वैसे आप लोग कब से माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, ये बात मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, अगले 2 साल तक माइनक्राफ्ट को पूरा नहीं बना गया था। हाँ, आपने सही सुना, पीसी पर जो माइनक्राफ्ट की रिलीज के बाद मोजांग समय समय पर गेम को अपडेट करता रहता था, वो तो अभी भी करता है, लेकिन गेम में बदलाव और इम्प्रूवमेंट उन्हें चाहिए ही चाहिए था। ये उन्होंने जब तक कंटिन्यू किया तब तक ही उन्हें लगा कि यार गेम तो एकदम सही बन चुका है, अभी लोग मस्त खेलेंगे, प्रो बनेंगे। तभी उन्होंने नवंबर 18, 2011 में गेम का अपडेट करना बंद किया। लेकिन अभी भी गेम का अपडेट आता है, लेकिन पहले जो अपडेट आता था वो तो एकदम भयंकर वाला अपडेट आता था, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉक्स ऐड किए जाते थे और ग्रास को और भी अच्छा बनाया गया था। अभी भी ऐसा ही होता है, लेकिन पहले के समय में वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था ना, क्योंकि उस समय उतना फंक्शंस नहीं होता था आज के जैसे। फैक्ट नंबर 1, क्रीपर्स एक कोडिंग एरर की वजह से बन गए थे। माइनक्राफ्ट की अजनबी प्रजातियों में से एक है हमारा क्रीपर। अजनबी प्रजातियां यानी कि मॉन्स्टर, वो ज़ॉम्बीज, एंडर ड्रैगन, वो सब आते हैं ना, उसी तरह एक क्रीपर। लेकिन इसे मार्कस पर्सन ने खुद के इच्छे से नहीं बनाया था, बल्कि वो एक सुअर यानी कि पिग बना रहे थे। तभी उन्हें गलती हो गई और उन्होंने लंबाई और ऊंचाई ज्यादा डाल दी, यानी कि कोडिंग में उन्होंने गलती कर दी। फिर क्या हुआ कि जिसके नतीजे से आज हमारे माइनक्राफ्ट में ये गंदा सा क्रीपर आ गया। और अगर हमारे पास अच्छा आर्मर नहीं है तो फिर भाई बोलो ही मत, वो हमारे पास आकर फट जाता है और हमारे सारे अच्छे अच्छे चीजें वो ले जाता है। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको मोर फैक्ट्स चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं इस बार पहला वीडियो था ना, इसलिए मैंने सिर्फ 5 फैक्ट्स ऐड किए। अगर आपको और फैक्ट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं 10 फैक्ट्स या 8 फैक्ट्स ऐसे की वीडियो बनाऊंगा। और कल आएगा मिथ्स का वीडियो, तो मेरा प्लान कैसा है कि एक दिन मैं बनाऊंगा फैक्ट्स का वीडियो, दूसरे दिन मिथ्स का और तीसरे दिन गेम प्ले का। तो ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आज शाम को फार्ले 84 का रैंक पुश वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए जरूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उसके पास वाले बेल आइकन भी दबाना। तो मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए बाय।